26 जनवरी राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर शनिवार को अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में कॉलेज के प्रधानाचार्य रेमी यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान एनसीसी की छात्राओं ने सलामी देकर राष्ट्र ध्वज का मान बढ़ाया। विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्र और देशभक्ति गीत गाकर आज़ादी के मायने को प्रस्तुत किया। बच्चों के बाल मन पर अपने राष्ट्रभक्त शहीदों और बुद्धिजीवी जनों के गुणों को सुदृढ़ करने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पक्की बाग में शनिवार को राष्ट्रीय पर्व 17वां गणतंत्र दिवस श्रद्धा और उल्लासपूर्वक मनाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश राय, मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह भदौरिया, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के सह प्रांत प्रचारक सुभाष, विशिष्ट अतिथि सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट शिव प्रकाश सिंह, अध्यक्ष प्रोफेसर छाया रानी सिंह, आचार्य शंभु शरण कुशवाहा सहित विद्यालय समिति के सदस्य पदाधिकारी सदस्य नागरिक और बाल बालिकाएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से संवाददाता से बात करते हुए विद्यालय के प्रबंधक बलराम अग्रवाल और प्रबंध समिति के अध्यक्ष CP द्विवेदी ने कहा। Yeah.
औलाद पैदा होते हैं, गुलाम भारत में भी आजाद पैदा होते हैं। हर बालक में क्षमता है पूरा इतिहास बदलने की, अरे हर बालक में क्षमता है पूरा इतिहास बदलने की। यहाँ हिरण्यकश्यप के घर भी प्रहलाद पैदा होते हैं। बलराम अग्रवाल, विद्यालय के प्रबंधक। मैं मतलब ये चाहता हूँ कि हमारा विद्यालय इतना उन्नति करे कि आज ये गोरखपुर में सबसे एक नंबर का विद्यालय बने और हमारे यहाँ बच्चे अच्छे से अच्छे यहाँ से निकल के जाएं और अपने विद्यालय का नाम करें। इसी इस पावन पर्व पर हमारी यही शुभकामना है। हम जो है ये सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग के प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में CP द्विवेदी, गणतंत्र दिवस आज 70वां गणतंत्र दिवस है, आज ही के दिन वर्ष 1950 में अपने भारत का संविधान लागू हुआ था और तभी से जो है यहाँ पर गणतंत्र यानी कि मतलब जनतंत्र, लोकतंत्र, जनता का तंत्र, जनता का शासन हमारे देश में लागू हुआ और तब से जो है हम प्रतिवर्ष आज ही के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आज के दिन हम उन क्रांतिकारी वीर सपूतों को जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था, उनका नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। भारत माता को हम ये संकल्प लेते हैं, संकल्प देते हैं कि हम जो है इस देश की रक्षा के लिए, इस तिरंगे झंडे की रक्षा के लिए जो है अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं।